वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज का एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए नाबार्ड मेंस के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम कल होने वाला है, तो अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चे इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक स्पेशल सेशन इसके लिए दे दिया जाए। तो देखिए, होता क्या है कि नाबार्ड का जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बिल्कुल मतलब बेसिक लेवल से ही ज्यादातर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसमें जो एग्जाम का लेवल रहता है वो आपका ये कह सकते हो कि मॉडरेट, मतलब बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक रहता है। हाई लेवल के क्वेश्चंस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 2 से 4 क्वेश्चन। बाकी इसमें होता क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस के एग्जाम में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये आती है जिसको खासकर नाबार्ड का एग्जाम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बाकी एग्रीकल्चर के एग्जाम और इसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो ये एक बड़ी माइंड में प्रॉब्लम रहती है कि भाई इसके अंदर इस प्रकार के क्या क्वेश्चंस रह सकते हैं कि बाकियों में नहीं आते हैं। तो मैं इतना बता दूं कि इसके अंदर जो पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रीसेंट ट्रेंड पर पूछे जाते हैं। ट्रेंड मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, इंडियन प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस कंडीशन में क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, उसके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक उम्मीद रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और ताकि मैक्सिमम बच्चों तक तो वीडियो पहुंच सके जिनको नीड है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, और खासकर जनरल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का जिनका एग्जाम है, तो उनके लिए ये सेशन आपका काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और इवन दो आपके बाकी जो एग्रीकल्चर के एग्जाम है इन फ्यूचर अगर तुम लोग भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज के इस सेशन में मैं आपको ना केवल ऑब्जेक्टिव बल्कि डिस्क्रिप्टिव प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उनके लिए भी आपको गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये सेशन जो है आपके लिए, खासकर नाबार्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर भी अगर तुम सोच रहे हो कि नाबार्ड की मैं प्रिपरेशन करूं तो भी तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर साउथ इंडियन जो स्टूडेंट होते हैं वो इस पैटर्न को समझते हैं। और इवन दो पिछले 2-3 साल के अंदर देखा जाए तो एमपी और महाराष्ट्र के बच्चों को भी काफी हद तक इसके बारे में नॉलेज हो चुका है कि ये एग्जाम हम भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे मानते हैं कि शायद डिस्क्रिप्टिव जो है एग्जाम होने के कारण हमें एग्जाम को क्लियर करने में डिफिकल्टी होती है, हम कैसे लिख पाएंगे वहां पर। लेकिन शायद आप लोग वो कहते हैं ना कि आपके अंदर पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आप लोग नहीं जान पाते हो, और उसकी वजह से ही आप लोग इस चीज को कहीं ना कहीं मात खा जाते हो। तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव को बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है। ठीक है, इसको आपको अगर समझना है तो ये समझकर चलिए कि यहाँ पर एग्जाम का जो लेवल रहता है बिल्कुल बेसिक रहता है, और बहुत सारी बेसिक चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इसको क्योंकि देखो कंपटीशन जो है इसका थोड़ा सा अगर हम बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, क्योंकि जनरल स्ट्रीम के अंदर कोई भी ग्रेजुएशन का बच्चा आपका इसके अंदर फाइट कर सकता है। तो इसमें ज्यादातर जो है इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इसमें खासकर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है या फिर बाकी अगर हम बात करें तो इसके लेवल को समझते हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, और वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके इस चीज को लिखने की मतलब कोशिश कर लेते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वाले बहुत डरते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बता दूं कि डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ईजी रहता है। लेकिन वही चीज है कि इतनी भी कोई चीज हर ईजी नहीं होती। ईजी बनाने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को समझ पाओ कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि किस प्रकार के टॉपिक और किस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहां पर आपके जो मेजर आपका पार्ट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो रहेगा प्रेजेंट आपका जो करंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी करंट सिचुएशन क्या-क्या चल रही है, तो इस बार का जो बजट है, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब बजट में अगर हम बात करें तो मेजरली किन किन स्कीम के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, तो और वो भी स्पेसिफिकली किसके ऊपर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर आपको एक टॉपिक दिया, मैंने बोला कि भाई ये काम करो, आप इसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर आपका जो है इसके ऊपर एक लेटर लिखकर लेके आओ, या फिर इसके ऊपर एक आप जो है डिस्क्रिप्टिव आपका एक पैराग्राफ लिखकर लेके आओ, है ना। अब टॉपिक मैंने दिया आपको एग्रीकल्चर,
अब देखिए यार, एग्रीकल्चर में लिखने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी लिख दी गई है ना, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं कि पूछिए मत। लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई ये आपका केवल और केवल कितना होना चाहिए, 200 वर्ड्स होना चाहिए, या फिर आपका अगर हम बात करें तो इसको आप 100 वर्ड्स में लिख कर लेके आइए। और किसके बारे में लिख कर लेके आइए, एग्रीकल्चर के बारे में लिख के आइए, या फिर मैं बोलूँ कि भाई 50 वर्ड में एग्रीकल्चर के बारे में लिख कर लेके आइए। अब तुम लोग क्या करते हो कि तुम सोचते हो यार 50 वर्ड में एग्रीकल्चर कैसे डिस्क्राइब हो सकता है। देखो यार, हमें उन पिक्यूलियर चीजों के बारे में बताना है, हमें उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना है जिनसे आपके मतलब यहां पर समझने से पता चल जाए कि हाँ भाई एग्रीकल्चर क्या होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर आपका एलाइड में जाएंगे और फिर अगर हम बात करने लग जाएंगे उसके अंदर हर एक चीज के बारे में, बहुत बड़ा बन जाएगा और ऐसे तो फिर एग्रीकल्चर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा किसी प्रकार से भी। लेकिन यहां पर हमसे जब एग्रीकल्चर की एग्जैक्ट एक 50 वर्ड्स में अंदर पूछा जा रहा है तो हम उसमें सिंपल से शब्दों में बोलेंगे कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन करते हुए साथ में जो एलाइड एक्टिविटीज है उनको इंक्लूड करते हुए जो हम करते हैं, और जिससे क्या होता है कि आपकी देश के अंदर अर्थव्यवस्था भी मेंटेन रहती है, उनके लिए फूड अवेलेबल हो पाता है और लोगों को इससे रोजगार भी मिल पाता है। तो 50 वर्ड में ये 3-4 बातें आ जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंगली रहता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितना टाइम दिया गया है, कितने शब्द दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को मेंटेन करना होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो टाइम वहां पर देने वाले हैं, हमें तो ऑलरेडी दिया गया है कि हमें कितने वर्ड के अंदर क्या और कितना टाइम करना है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना आपको टाइम दिया जा रहा है उस टाइम बाउंडेड कंडीशन के अंदर आपको पहले तो वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और कोशिश करना कि उसको आप पॉइंट वाइज बनाएं। ज्यादा से ज्यादा ये ना हो कि एक बल्क पैराग्राफ आप लिखोगे और एक उसको पॉइंट वाइज बनाओगे तो बहुत डिफरेंस रहता है। जितना आप उसको पॉइंट वाइज बनाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल ज्यादा होगा, उतना ही आपके लिए इफेक्टिव ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आप कोशिश करो कि भाई आपका जो क्वेश्चन है या जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको आप पॉइंट वाइज बनाकर लिखो, ताकि हर एक पॉइंट में आपकी जो इंपॉर्टेंट आप लोग बताना चाहते हो, अपने जो पॉइंट रखना चाहते हो, वो उनके सामने आए और वही आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करता हूं कि पहली बात आपको समझ में आई होगी कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है। अब डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका जो करंट का पार्ट है, ठीक है, उसके अंदर रिसेंट जो कोई स्कीम दी गई है तो स्कीम का बेनिफिट क्या होने वाला है, वो स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट है और वो स्कीम से क्या क्या आपके फार्मर्स को बेनिफिट हो सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है यहां पर कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर कोई एक आपका टॉपिक दे दिया जाएगा, लाइकवाइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर। आजकल प्रेजेंट टाइम में जो मैं बार बार आपको कई बार बताता होता हूं ना कि कई बार जैसे क्वेश्चंस आपके रिसेंट जो ट्रेंड टॉपिक हैं उनमें आपका बार बार बोला जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर के जो ट्रेंड टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, या प्रिसीजन फार्मिंग आप लोग इसको बोल देते हो, ठीक है। तो उनसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको पूछे जाएंगे, यहां पर इनके ऊपर फोकस आपके एग्जाम में हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आ जाता है। ठीक है, अब ये बात है हमारी जनरल और एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अगर वही बात है जैसे एक दो बच्चे यहां पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए यार, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए एक तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन, सोयल वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि आजकल जो नाबार्ड फोकस कर रहा है वो सोयल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो वहां से उन टॉपिक्स को आप लोग उठा सकते हो, उनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो वहां पर कोई रिसेंट ट्रेंड यूज कर रहे हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर आपके इंप्लीमेंट्स वगैरह को लेकर, तो वो आपका पूछा जा सकता है। मैकेनाइजेशन इंडिया में कितना है उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई मैकेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो। अब हॉर्टिकल्चर की बात करोगे तो हॉर्टिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट आता है दैट इज प्रोपेगेशन मेथड, यानी कि जो आपके प्लांटिंग मेथड है किस प्रकार से प्रोपेगेट करते हैं, ट्रेनिंग, प्रोनिंग, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर आपकी स्कीम है जैसे कि MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, तो इनकी स्कीम और इनके जो करंट सिनेरियोज हैं और आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वेस्टेज जो होती है दैट इज फूड वेस्टेज होता है, यानी कि आपका फूड जो है हार्वेस्टिंग के बाद वेस्टेज
देखने को मिलता है, तो उसको किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, एक भी चीज ये आप कह दो ना कि भाई मैं बहुत ज्यादा कंफर्मेशन हूं कि यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम एक आइडिया, क्योंकि देखो प्रेजेंट में जो एग्जाम बना रहा है उस पर्सन का माइंड क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हर चीज चेंज हो जाती है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज आपके एग्जाम में आ सकती है। तो पहले आप इनको क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपका यहां पर अगर देखा जाए तो सोयल जो है उसके अंदर सोयल के जो टेक्सचर्स क्लासेस हैं या फिर आपका ऑर्डर वगैरह या फिर उनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो क्लासिफिकेशन है उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में हो सकते हैं, या फिर सोयल ऑफ इंडिया जो है उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में हो सकते हैं, या फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो टेक्सचर या स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉब्लमेटिक सोयल इंडिया में क्या है, तो उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग वहां से सीख लोगे, उसको आप कवर करने की कोशिश करोगे। अब देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका एग्रोफॉरेस्ट्री, ये अगर देखा जाए तो पिछले काफी टाइम से ट्रेंडिंग में एक क्वेश्चन रहा है एग्रोफॉरेस्ट्री में, जैसे कि एग्री सिल्वी कल्चर क्या है, है ना, एग्री सिल्वी पास्चर क्या है, तो इनके रिलेटेड जो इनकी डेफिनेशंस होती है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तो इनकी डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं। तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको इतना करना चाहिए, और हाँ फॉरेस्ट रिपोर्ट को जरूर पढ़कर जाना कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से आने वाले टाइम में, और ये क्वेश्चन किसी के लिए भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो जनरल वाले हैं या फिर आपके एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए आएगा, ये किसी भी पर्सन के लिए। फॉरेस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो सोयल वालों से भी बनता है, वो आपका यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग वालों से भी बन सकता है, तो इसका आपको, क्योंकि देखो उनमें एक एनवायरमेंट का आपका टॉपिक कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो आपका एग्रीकल्चर और जनरल वालों के लिए क्रॉपिंग सिस्टम है ना, अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स को देखोगे तो क्रॉपिंग सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन चाहे प्री में देखोगे चाहे मेंस में देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम इनको भी एक बार पढ़ लेना, क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मोनोक्रॉपिंग है और मल्टीपल क्रॉपिंग है, और उससे पहले अगर हम बात करें तो एक पैरेलल क्रॉपिंग है और एक आपका यहां पर सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है। पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप को भी आपका साथ में ग्रो करवाया गया है, तो उस टाइम पर आपका वहां पर देखा जाता है, तो मिक्स क्रॉपिंग और हम लोग यहां पर मोनोक्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग आगे इनको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो यहां पर क्या रहता है कि मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक सिंगल टाइम में एक ही क्रॉप आपके फील्ड में ग्रो करवाई जा रही है, बट मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं फर्दर, फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग, भाई जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई आपका वैलिड उसके अंदर वो नहीं रहता, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए करंट अफेयर का जो पार्ट है, मैं माइंड में अभी एक बात आई है फिर मैं भूल जाऊंगा शायद, करंट अफेयर की जितनी भी अभी रिसेंट वीडियोज बनाई गई थी उनके ऊपर आपकी उन वीडियोज को मैं लिंक में डाल दूंगा अभी आपका आफ्टर द सेशन, तो उसको आप लोग वहां से देख लेना, उसको आप लोग वहां से ऑब्जर्व कर लेना, उन 3-4 वीडियोज को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें से एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, उनको रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा आप लोगों के लिए, नुकसान हो जाएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका, तो इससे अच्छा है कि वो वीडियोस वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको मैं यहां पर आपका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार उनको देख लेना। दूसरा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से या फिर इनके रिसेंट ट्रेंड से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा, जैसे फील्ड के रिलेटेड अभी 2-3 दिन पहले आपका, यानी कि कल और आज मॉर्निंग में भी एक वीडियोज डाली थी, अब उन वीडियोज में आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर किस प्रकार से आपको सीखना चाहिए जानना चाहिए तो मैंने वो बताया था आपको वहां पर, तो फील्ड को ऑब्जर्व जरूर किया करो, जब भी आप लोगों को मौका मिलता है तो उनको आप लोग देख लिया करो, लेकिन अभी टाइम कम है तो उस टाइम पर मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितना आपने पढ़ा हुआ है, जितना आपने किया हुआ है, उसको बस रिवाइज करो, उसको ही रिवाइज करना, लास्ट मिनट या लास्ट कंटेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मैं आपको टॉपिक बोल रहा हूं, इन टॉपिक में से जहां से भी आपने पढ़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है कि आप लोग बोलो कि सर अभी रात के लिए कोई पीडीएफ होगी क्या, ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा बकायदा आपका यहां पर। तो इतना बोलना चाहूंगा कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है, एग्रोफॉरेस्ट्री है, इनके ऊपर फोकस करना, उसके बाद आपका एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैंने अभी जो आपको बोला था, उनको अच्छे से अपने ना केवल एक क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बल्कि आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपके इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो यहीं से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो आप एक बार इन टॉपिक को, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी यहां पर मेंशन कर लो, इनसे जरूर आप लोग पढ़कर चले जाना, ठीक है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेंगे वो डेफिनेटली हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो वाटरशेड है,
इससे भी आपके क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं, वॉटरशेड हो सकता है या फिर आपका वॉटर हार्वेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले तो इनको आप लोग देखिए, इनको ऑब्जर्व करिए, इन टॉपिक को लगातार कोशिश करिए कि है ना किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम चलते हैं आपके आज के जो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं। तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इतना बोलना चाहूंगा कि आपका पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी प्रकार के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं, या फिर माइंड में कुछ और आया जो आपको बताना इंपॉर्टेंट है, या फिर तो जैसे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूं तो उन क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे उनको भी बताने का काम कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि पूसा अनुपम वेराइटी ऑफ ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड बाय, कि आपका जो पूसा अनुपम है एक ब्रिंजल की वेराइटी है तो वो आपकी किसके द्वारा डेवलप की गई है, क्रॉसिंग पूसा क्रांति और पीपीसी या अर्काशील अर्का सिरिश या आपका जैपनीज लॉन्ग क्रॉस R34 या फिर आपका सेलेक्शन के द्वारा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि भाई जो पूसा अनुपम वैरायटी है ब्रिंजल की वो किसके द्वारा आपकी डेवलप की गई है। तो अगर आप लोगों को आंसर पता है, आप लोगों में से जानते हो, तो डेफिनेटली आप लोग आंसर करोगे कि भाई जो पूसा क्रांति और पीपीसी है इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ है, इस वैरायटी को डेवलप किया गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, व्हाइट लेगहॉर्न ब्रीड ऑफ पोल्ट्री बिलोंग्स टू, यानी कि पोल्ट्री की जो ब्रीड है व्हाइट लेगहॉर्न, वो इनमें से आपका किस प्रकार की ब्रीड है, इंग्लिश क्लास से है, एसेटिक क्लास से है, अमेरिकन से है या मेडिटेरियन से है। तो एक्चुअल में ये आपकी इटली से, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा है ना ये ब्रीड आपकी, और इटली जो रीजन है दैट इज बिलोंग्स टू मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन क्लास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, मेडिटेरियन क्लास रहेगा। लेकिन इसके अंदर आपको एक समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि देखो पोल्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट रहा है। तो पोल्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसके अंदर एक तो जेस्टेशन पीरियड आपका कितना है, देखो ये टॉपिक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जेस्टेशन पीरियड उनका कितना हो सकता है। उसके बाद उनके लिए जो ऑस्ट्रस साइकिल है वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इनके रिलेटेड जो आपकी टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यंग किड को क्या बोलते हैं, यंग काफ को क्या बोलते हैं, तो वहां से आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका जो ब्रीड है वो पर्टिकुलरली कहां से बिलोंग करती है, नेटिव यानी कि इंडिया की ब्रीड कौन सी है, बाहर से कौन सी है, एक्जोटिक कौन सी है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी आपके, चाहे काओ की ब्रीड की बात करें, बफेलो की बात करें, शीप की बात करें, गोट की बात करें, या पिक की बात करें, या फिर पोल्ट्री की बात करें, तो उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं। और एक इसका आता है कि आपका इसके अंदर जो एनिमल है उनका पार्चुरेशन जो प्रोसेस है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, है ना, तो आपका पार्चुरेशन प्रोसेस क्या कहलाता है वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका जो डीहॉर्निंग वगैरह है वो आप लोग कितने टाइम के बाद करते हो, डीहॉर्निंग हो जाएगा, या फिर इनका जो मेल है वो कास्ट्रेशन किया जाता है तो कास्ट्रेशन के लिए कितना टाइम पीरियड रहता है, तो वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई कास्ट्रेशन कितने दिन के बाद करते हैं। तो इस टेबल को भी आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें से आपका कास्ट्रेशन हो जाएगा, हाँ, एक स्पेसिंग आपके एनिमल्स के लिए जो स्पेसिंग है वो कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो वहां से आपके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट को एक बार, इस टेबल को जरूर, इनके रिलेटेड जो टेबल है उनको आप लोग जरूर देखकर जाना। अब इसके अलावा जो हाईएस्ट जैसे फैट कंटेंट किसमें कितना होता है, हाईएस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी है, ठीक है, तो उनके रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काफी डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, आपका एक अगर रिवाइज आप लोगों को करना है, क्योंकि देखो पढ़ा तो आप सब लोगों ने हुआ है, जस्ट आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, रिवीजन करना है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बेनिफिशियल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग इनको कर सकते हो। तो आंसर आपका इसका क्या है, मेडिटेरियन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल इज कॉज्ड बाय, जो फायर ब्लाइट है आपका एप्पल का और पियर का, वो इनमें से किसके द्वारा कॉज होता है, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि या इसका आंसर क्या आपका राइस्टोनिया आपका अमाइलोवेरा होगा, या आपका क्लेवीबैक्टर मिसिगेंसिस होगा, या एर्विनिया अमाइलोवेरा होगा, या वेंचुरिया इन इक्विलिस होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल है दैट इज कॉज्ड बाय एर्विनिया अमाइलोवेरा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर जानते हो
कि आपका एर्विनिया माइलोवोरा की वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है फायर ब्लाइटो पियर और एप्पल देखने को मिलता है। अच्छा, पैथोलॉजी की जब बात आई गई है तो पैथोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, तो पैथोलॉजी में खासकर प्लांट पैथोलॉजी में क्वेश्चन जो आजकल ट्रेंड में है, दैट इज एक तो पर्टिकुलर जो आपकी कोई क्रॉप है उसके, और खासकर जो ट्रेंडिंग डिजीज है जिनकी वजह से अभी इन दिनों में एक्सपोर्ट वगैरह के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा है, या फिर आपका कई बार लगातार जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है ना आपका, जिंक वगैरह जो आपका खैरा डिजीज यहां पर है, तो उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जो एपिडेमिक है इनमें से पेंडेमिक डिजीज कौन सा है, एंडेमिक कौन सा है, स्पोरेडिक कौन सा है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उनके रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उनको भी जरूर पढ़ लेना क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, एर्विनिया माइलोवेरा। नेक्स्ट आपका है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय, कि आपका पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज है मैंगो के अंदर वो इनकी द्वारा किस में या किस स्पीसीज के द्वारा देखने को मिलता है, तो क्या लेविला स्पीसीज है, ओइडियम है, एरिस्पी है, या फिर आपका यूनिशुला है। तो याद रखना ओइडियम स्पीसीज के द्वारा क्या देखने को मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो है मैंगो के अंदर देखने को मिलता है। देखिए मैंगो एक, हाँ ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रीवियसली जो है इसको यहाँ पर हम लोग बोलते थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इसका नाम आपका कई बार इस प्रकार से स्यूडोडियम और आपका एनाकार्डिया भी देखने को मिल जाएगा, तो उस टाइम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपके एग्जाम में अगर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ये आपका पूछा जाए कि कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो ये रहा इसका न्यू नेम, तो कभी भी घबराना मत, क्योंकि ओइडियम मैंगीफेरा हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई ओइडियम जो स्पीसीज है ओइडियम मैंगीफेरा उसकी वजह से ये आपका होता था, लेकिन इसका जो न्यू नेम है दैट इज द स्यूडोडियम आपका एनाकार्डिया। तो एक बार अगर एग्जाम में ये भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा अगर देखा जाए तो आपके मैंगो, क्योंकि मैंगो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है और इसके अंदर जो इसकी खासकर जैसे आपने देखा होगा एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए कौन सी इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर कोई इंपोर्टेंट डिजीज अगर आपका है जैसे आपका अल्फांसो के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यूज है वो एक मेजर आपका एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो वो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई ये किस प्रकार से है, ये ब्रिक क्लीन के लिए कितनी डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए, तो वो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, तो इनको जरूर आप लोग एक बार देखकर जाना क्योंकि वहां से कई बार क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फूड गिवन टू एन एनिमल एट ए टाइम और इन पोर्शन एट इंटरवल इन 24 आवर्स इज कॉल्ड एज, देखिए क्या बोला गया कि 24 घंटे के अंदर जो डाइट दी जा रही है, एक आपका फूड दिया जा रहा है एक एनिमल को एक पार्ट के अंदर, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, क्या डाइट बोलते हो, फीड बोलते हो, राशन बोलते हो, या फिर स्टीमिंग अप बोलते हो। देखिए अगर एक 24 आवर या किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जब भी आपको एक टाइम बाउंडेशन दिया गया है उस पोर्शन के अंदर आपका अगर फूड या फीड दिया जा रहा है एनिमल को तो वो आपका राशन कहलाएगा, लेकिन अगर बोला जाए कि भाई बैलेंस न्यूट्रिएंट की फॉर्म में उनको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वही उनको अप्लाई किए जा रहे हैं, वही उनको दिए जा रहे हैं, तो इन दैट केस दैट विल बी नोन एज बैलेंस्ड रेशन, है ना, वो आपका क्या होगा, उसका नाम आपका बैलेंस्ड राशन होगा। तो एक चीज को ध्यान रखिए कि यहां पर कई प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो इनको जरूर आप लोग पढ़कर जाइए क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट टुक प्लेस थ्रू, अब हाँ ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि नाबार्ड है, तो भाई नाबार्ड ज्यादातर फोकस करता है आपका किसके ऊपर, नाबार्ड फोकस करता है एक्सटेंशन के ऊपर, है ना, तो इसलिए नाबार्ड के जो रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आप लोग जो प्रेजेंट में स्कीम है, अब स्कीम में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो आपका सम्मान निधि योजना है, या फिर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मान आपका मानधन योजना है, या फिर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आपका कृषि सिंचाई योजना है, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इनको पढ़कर जाना, और इसके अलावा जो केवीके वगैरह है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर आपका अगर हम बात करें तो इनमें से जैसे आत्मा है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम है, आपका IVLP जो आपका प्रोग्राम है, तो इनके रिलेटेड एक बार जरूर पढ़कर जाना क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो है एक्सटेंशन के क्वेश्चन जो है वो काफी लेवल पर आपके देखे जाते हैं, तो उनको हम लोग मानते हैं कि काफी हार्ड होते हैं, लेकिन यार ये क्वेश्चन जो है वो पेट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक आपका अन्नदाता जो आपका नहीं आपका
मैं स्कीम का नाम भूल गया हूँ, AI अंत्योदय अन्न योजना है ना, इस स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम आपका, इस स्कीम को कब स्टार्ट हुआ, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। फूड प्रोक्योरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी एजेंसी इसके रिलेटेड वर्क कर रही है। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका IVLP के थ्रू जो है वो आपका टेक्नोलॉजी असेसमेंट जो रिफाइनमेंट है वो टेक प्लेस करता है, यानी कि इसके अंदर कोशिश की जाती है कि भाई नई टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, उसको जो है आपके डेवलप करने के बाद फार्मर लेवल तक उसको किस प्रकार से अप्रोच किया जाए। तो यहाँ पर आपका किसके अंडर में है, बिल्कुल आपका एक दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल डेवलप जो लाइवलीहुड मिशन योजना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं नाबार्ड के अंदर। नेक्स्ट आपका है प्लांट टिश्यू कल्चर रिलाइज ऑन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन पोर्शन सेल ऑफ प्लांट टू रीजनरेट वोल प्लांट, दिस एबिलिटी इज रेफर्ड टू एज, यानी कि आपका एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप किया जाता है, तो वो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो क्या वो आपका ऑटोटॉमी होता है, टोटियोपोटेंसी होता है, या फिर आपका वेदरिंग होता है, या फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो दैट इज नोन एज टोटियोपोटेंसी। तो ये आप लोग अच्छे से जानते हो, यहां से आपके एग्जाम में ऐसे जो कुछ कह सकते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे वो भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें मिसलेनियस के ऊपर उतना फोकस अभी इतना नहीं करना है, क्योंकि हमें फोकस करना है जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जो आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड इज नोन एज, क्या बोला गया कि टेम्परेचर है टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड, सैचुरेट करने के लिए है ना, तो आपका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, सो ड्यू पॉइंट, फ्रॉस्ट पॉइंट, कोल्ड पॉइंट, या फिर फ्रीजिड पॉइंट, दिस इज नोन एज ड्यू पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ड्यू पॉइंट। अब देखिए आपका एग्रोमेट्रोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है हर एक एग्जाम के लिए, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो खासकर या तो प्रेसिपिटेशन वगैरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं, रेनड्रॉप वगैरह के साइज से हो सकते हैं, मानसून के टाइप से क्वेश्चन आपके देखे जा सकते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है ना। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फोटो पीरियडिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, जो इनका फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग बात करें तो शॉर्ट डे लेंथ, लॉन्ग डे प्लांट, इनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे वो देखे जा सकते हैं। इसी के अलावा जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है उनके अकॉर्डिंग भी, चाहे वो एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन हो या फिर आपका पोलिनेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, उनके अकॉर्डिंग भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज्यादातर देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके अगले पॉइंट पे बढ़े, तो आपका अगला है ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट वेयर फ्रॉम सरप्लस रन ऑफ ड्रेन्स थ्रू ए कॉमन पॉइंट इज नोन एज, मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जिसके अंदर क्या है कि आपका सरप्लस जो रन ऑफ है वो आपका बह के और एक कॉमन पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो आप लोग यहां पर डेफिनेटली आंसर एक ही करोगे कि रन ऑफ यूनिट है, कंजर्वेशन यूनिट है, या वाटर पॉन्ड है, या फिर वाटरशेड है। देखिए समझने की कोशिश करना, कोशिश ये करना, क्योंकि आपका यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक हाइड्रोलॉजिकल यूनिट जहां पर पानी आकर क्या होता है, कलेक्ट होता है, तो आपका वाटरशेड है ना, इसके लिए हम लोग जो नाम देते हैं वो आपका क्या बोलते हैं, एक नाम, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड। और वाटरशेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहां पर टॉपिक भी है, वाटरशेड मैनेजमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसी के अंदर में आपके स्मॉल टॉपिक कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वाटरशेड आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वाटरशेड के ऊपर मैंने प्रीवियसली अगर आप लोग जाकर देखोगे तो एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, पूरा अच्छे से समझाया भी हुआ है, उसके जो साइज है उनके बेसिस पर भी आपको अच्छे से बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देख लोगे, ताकि आपके लिए यहां पर जो भी डाउट है आपके, आप लोग उनको सॉल्व आउट कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है शुगरकेन क्रॉप इज कंसीडर्ड मैच्योर इफ सैंपल ऑफ जूस टेकन फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ स्टॉक शोज द हैंड रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग फ्रॉम, यानी कि एक हैंड रिफ्रेक्टोमीटर है उसके द्वारा हम लोग शुगरकेन के जूस की रीडिंग ले रहे हैं, और ये मैच्योर हो चुका है, ये हमें कब पता चलेगा, उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। क्या वो रीडिंग आपकी 10 से 12 के बीच में होनी चाहिए, क्या वो रीडिंग 14 से 15 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 19 से 22 के बीच में होनी चाहिए, या फिर 32 से 34 के बीच में होनी चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि दिस रीडिंग मस्ट बी फ्रॉम 19 टू 20। एक्चुअल में क्या होता है कि 18 टू 24 आपने कई बार देखा होगा कि इस प्रकार से देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है दैट इज 19 टू 22, सो दैट वी हैव टू गो फॉर दिस वन, है ना। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 19 टू 22, यानी कि सी आपका एग्जैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोनी वीट, हाँ अब यहां पर क्या है कि सिंपल क्वेश्चन, मैंने बार बार बोला था कि बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, तो सिंपली जैसे आपका मैक्रोनी वीट कौन सा है, या फिर आपका डेंट कौन कौन सा,
सा है, या फिर आपका इनमें से फ्लोर कॉर्न कौन सा है, तो कॉर्न के भी टाइप है, व्हीट के भी टाइप है, ठीक है। जैसे आपका राइस है तो राइस की स्पीशीज भाई, जो आपका जैपनीज है तो जैपनीज ओरिजिन कौन सी है, मतलब इन प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, या फिर टेम्परेट राइस किसको बोला जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नॉर्मली एग्जाम में हो सकते हैं। तो यहां पर व्हीट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोनी व्हीट, तो इनमें से कौन सा आपका मैक्रोनी व्हीट है, क्या ट्रिटिकम एस्टिवम है, नहीं, ये तो हमारा जो हम लोग व्हीट नॉर्मली कंज्यूम करते हैं दैट इज है ना, और ट्रिटिकम ड्यूरम दिस इज नोन एज मैक्रोनी व्हीट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर जो है यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हां, और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि हां, ये भी बहुत बढ़िया किरण ने बताया यहां पर कि आपका जो मैक्रोनी व्हीट जो ड्यूरम है दिस इज द टेट्राप्लॉइड, बट जो आपका आप लोग व्हीट कंज्यूम करते हो दैट इज हेक्साप्लॉइड, ट्रिटिकम एस्टिवम इज ए हेक्साप्लॉइड स्पीशीज, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहां पर आपका 2N42 होता है और इसके अंदर आपका 2N28 होता है, तो यहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपका अगला है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट पोर्ट्स फॉर सेफ स्टोरेज शुड बी, यानी कि आपका जो ग्राउंडनट है उसको हमें कितने स्टोरेज, कितने मॉइस्चर के ऊपर स्टोर करना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे कम मॉइस्चर पे आपके जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उनको हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टोर करते हैं। तो यहां पर आपका सबसे कम मॉइस्चर के ऊपर आपकी जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उनको करते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 के नियर अबाउट रिकमेंडेशन होती है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका होता है पल्सेस, जिसको आप लोग 8 से 10% मॉइस्चर के ऊपर क्या करते हो, स्टोर करते हो, और 10 से 12 के ऊपर आप लोग अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्या रहेगा, ग्रेन्स को स्टोर करते हो। तो लेस देन आपका 5 जो है, याद रखना, मोर नॉट मोर देन 5, दिस इज द मोस्ट वैलिड ऑप्शन फॉर द ग्राउंडनट, क्योंकि ग्राउंडनट के अंदर मॉइस्चर बढ़ता है तो यहां पर एफ्लाटॉक्सिन की जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। ये मोस्ट कॉमन जो एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस नाइजर दोनों स्पीशीज की वजह से कॉज होता है, लेकिन नॉर्मली जो आपका ग्राउंडनट है उसके अंदर एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से ही ये आपका जो है देखने को मिलता है, क्या, एफ्लाटॉक्सिन। तो उसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो होंगे वो पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर देखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में, क्योंकि देखो यार, अब आप लोगों में से कई बार जैसे रजत ने यहां पर आंसर किया है कि सर आपका ए है ना, सॉरी बी, जो आपका मनसा ने भी बी लिखा है, लेकिन बी अगर आपने किया है, शिव कुमार यादव ने बी लिखा है, ठीक है, हॉटस्टलर दिस इज आल्सो है ना बी, लेकिन बेटा बी नहीं होगा, बी हमारा ज्यादातर मैंने अभी बताया था कि सीरियल्स और हमारे जो यहाँ पर मिलेट है उनके लिए हम ये बोल सकते हैं, लेकिन जो आपकी ऑयल सीड है दिस विल बी गोज बियॉन्ड द, मतलब बिलो द आपका 8%, उस केस में ही यहाँ पर इनका आंसर जाएगा, और 5% से लेस देन करने में ग्राउंडनट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे अगर इसके ऊपर ज्यादा मॉइस्चर के ऊपर आप लोग इसको स्टोर करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सोयाबीन सीड इज, कि सोयाबीन सीड जो है उसका किस टाइप का जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है, तो आपका हाइपोजियल है, एपिजियल है, सेमीजियल है, या फिर डेसीजियल है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो आपका सोयाबीन है उसके अंदर डाइकोटिलेडंस है, और ये आपके डाइकोटिलेडंस जो है वो सोयल से ऊपर आ जाते हैं जब वो जर्मिनेट करता है, और वही उसी के बिहाफ पर हम लोग डिवाइड करते हैं कि भाई एपिजियल क्या होगा और हाइपोजियल क्या होगा। एपिजियल जो है उसके अंदर जो कोटिलेडंस होते हैं वो आपके सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एपिजियल जर्मिनेशन। तो यहां पर आपका ये क्या रहेगा, जो सोयाबीन है वो एक एपिजियल जर्मिनेशन टाइप इसके अंदर देखने को मिलता है। ग्राउंडनट के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ग्राउंडनट का जो जर्मिनेशन है दैट इज आल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वो आपका एपिजियल नहीं होता, हाइपोजियल होता है, उसके अंदर सरफेस तक आते-आते जो है वो आपका रह जाता है, रुक जाता है। तो उस केस में याद रखना कि उसका जो जर्मिनेशन टाइप है आपका ग्राउंडनट का दैट इज ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हाइपोजियल होगा, किसका, ग्राउंड का, ठीक है। तो ये आपके बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है एक्सेस वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट मूव्स आउट ऑफ फील्ड एंड फाइंड वेज टू रिवर लेक एंड ओशियंस इज कॉल्ड एज, क्या बोला गया कि आपका एक प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश आने के बाद या फिर है ना वो आपका पानी जो होगा वो फील्ड से बाहर जाना स्टार्ट कर देता है और एक वे ढूंढता है कि वो नदियों में चला जाए या फिर किसी भी वाटर रिसोर्स में चला जाए, तो उस पानी के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, क्या परकोलेशन यूज करते हैं, नेवर। परकोलेशन सबसे पहले जो आपका सोयल के अंदर वाटर एंटर करता है दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन टिल द सैचुरेटेड कंडीशन, जैसे ही सैचुरेटेड कंडीशन
सेचुरेशन आती है, वाटर मूवमेंट स्टार्ट करता है, दैट विल बी नोन एज परकोलेशन, और बिफोर द सेचुरेशन कंडीशन दिस विल बी नोन एज इनफिल्ट्रेशन, एंड सेकंड इज सीपेज। सीपेज जो है वो आपका एक वाटर जो यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टिकल टू पार्टिकल जो मूवमेंट करता है, लाइकवाइज एक वाटर बॉडी है पूरी की पूरी, उसमें पानी बह रहा है और उसकी एक साइड के अंदर आपके दूसरी साइड के अंदर पानी दिखना स्टार्ट हो जाता है, लगता है कि ये गिल्ली हो चुकी है मिट्टी, तो वो ड्यू टू सीपेज होता है या फिर वाटर चैनल में आप लोगों को ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रन ऑफ। रन ऑफ का क्या मतलब होता है कि पानी बह जाना, और यही तो ये लोग पूछ रहे थे कि भाई पानी जो बह रहा है आपके फील्ड से बाहर चला जाएगा वो आपका किस प्रकार का होगा, तो यहां पर दैट इज नोन एज रन ऑफ। एंड नेक्स्ट इज द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि पानी को कलेक्ट करना, पानी को इकट्ठा करना, पानी को एकत्रित करना, अब पानी किसी भी प्रकार से बह रहा है उसको इकट्ठा करना, तो यहां पर ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया था क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग में हम पानी को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और यहां पर बोला जा रहा है कि पानी कहीं भी अपना वे ढूंढेगा, अपना वे खुद ढूंढेगा, तो उस केस में इसका मतलब है कि आप उसके अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट ये नहीं है, दिस विल बी कम्स अंडर द रन ऑफ, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि एक्सेस वाटर है ना, बहने के बाद जो एक्सेस वाटर कहीं आपका अपना वे ढूंढेगा, दिस विल बी कम्स अंडर द रन ऑफ, नॉट अंडर वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट आपका है द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, क्लास टू इज शोन बाय, कि जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपकी 8 क्लासेस यहां पर देखने को मिलती है, तो उनमें से जो क्लास टू है उसके लिए आपका किस प्रकार का कलर जो है वो देखने को मिलता है, तो वैसे तो अगर आप लोग इमेज देखोगे तो इमेज से समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा यहां पर मैं कलर बोल रहा हूं, ठीक है, जैसे कि आपका क्लास टू है तो दिस इज क्लास टू एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय येलो कलर, ठीक है, तो यहां पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में कभी भी अगर आ जाए तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सको, ठीक है। क्या है, ग्रीन जो फर्स्ट क्लास के लिए यूज किया जाता है, सेकंड के लिए येलो है, थर्ड के लिए पिंक है, ब्लू है फोर्थ के लिए, डार्क ग्रीन है फिफ्थ के लिए, ऑरेंज है सिक्स्थ के लिए, रेड है सेवंथ के लिए, और पर्पल है आपका एट क्लास के लिए, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि यहां से कई बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला है ट्यूबुलर गाल, पॉपुलरली नोन एज सिल्वर शूट इन राइस इज कॉज्ड बाय, क्या बोला जा रहा है कि ट्यूबुलर गाल है जो कि आपका इसकी वजह से अगर हम बात करें तो सिल्वर शूट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वो राइस के अंदर किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो भाई किसकी वजह से होता है, गालमीज की वजह से होता है, तो यहां पर आपके गालमीज का साइंटिफिक नेम इनमें से कौन सा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो गालमीज का साइंटिफिक नेम आप लोगों ने जानते होंगे अच्छे से कि ऑर्चियोलिया ओराइजे, यहां पर इसका एक प्रकार से इसका साइंटिफिक नेम है, और आपका इसकी वजह से ही सिल्वर शूट आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, आपके राइस के अंदर, तो यहां पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर सिम्टम देकर और उसके रिस्पेक्ट में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार प्रेशर ले जाते हैं तो उस टाइम पर एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को काम रखें, बिल्कुल एकदम से शांत रखें और शांत रहकर फिर उसका आंसर दीजिए ना, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कई बार हमें ना एक कंफ्यूजन जब होती है तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि भाई बोला क्या जा रहा है, बाद में समझ में आता है कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको किया क्यों नहीं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ में आ गया क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों तो डेफिनेटली आप लोगों को आंसर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंसेक्ट इन्फेस्टेशन अकर इन ए सेवरल फॉर्म इन ए रीजन और लोकेलिटी एट पर्टिकुलर सीजन और ए टाइम, यानी कि एक इंसेक्ट है वो इन्फेस्ट कर रहा है फील्ड के अंदर इन सेवरल फॉर्म इन रीजन और लोकेलिटी एट पर्टिकुलर सीजन और ए टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो आपका क्या कर रहा है यहां पर अटैक कर रहा है, तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आपका एपिडेमिक, है ना। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया था कि भाई इनके अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं कि एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, स्पोरेडिक क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेगुलर पेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकेजनल पेस्ट क्या है, सीजनल पेस्ट क्या है, परसिस्टेंट पेस्ट क्या है, स्पोरेडिक पेस्ट क्या है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक पेस्ट यहां पर क्या है, तो इनके डेफिनेशंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इनके डेफिनेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका है एप्रिकेनिया मेलनल्यूका इज ए पेरास्टॉइड ऑफ, यानी कि पेरास्टॉइड पूछा जा रहा है कि वो इनमें से किसका है, तो ये शुगर केन जो प्लांट होपर होता है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पेरास्टॉइड यहां पर इसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा, शुगर केन लीफ होपर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यहां पर आ
सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने नहीं पढ़ा होता तो हमारे लिए हार्ड बन जाता है, और वही चीज आपके लिए एक सिंपल हो जाती है जब आपने उसको स्टडी किया होता है और आपके आपने पढ़ा होता है लगातार बार बार, तो उसके केस में। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। तो नाबार्ड है, नाबार्ड के एग्जाम हमेशा देखते आए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये नहीं कि बिना मतलब कि बिना सिर पैर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है, चांस ही नहीं बनता। बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें कोशिश करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके आए, और जितना हो सकता है एक बिल्कुल माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाकर फिर आप एग्जाम देना। और अभी जो मैंने टॉपिक आपको इनिशियल में बताए थे उनको एक बार रिवाइज कीजिए, उनको एक बार देख लीजिए लास्ट टाइम है आपके पास, और कोशिश करना कि जो आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन जो होंगे आपके क्या कहते हैं उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर उनको वन लाइनर की फॉर्म में कोशिश करना, ठीक है, वो आपको यहां पर देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपका है द इफेक्ट ऑफ पोलन जीन्स ऑन पार्ट ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम द मदर टिश्यू इज नोन एज। क्या बोला जा रहा है कि द इफेक्ट ऑफ पोलन जीन ऑन ए पार्ट ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम द मदर टिश्यू इज नोन एज जीनिया, मेटाजीनिया, मैटरनल इफेक्ट या फिर पैटर्नल इफेक्ट। तो ये आपका यहां पर क्या होता है, एक मेटाजीनिया इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपके नॉर्मल जैसे म्यूटेशन वगैरह है उनकी डेफिनेशन आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सिंपल या आपके कौन कौन से केमिकल और आपके फिजिकल म्यूटेजेंस होते हैं उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर जीन है जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर को इफेक्ट कर रहा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे गोल्डन राइस है तो वो किसकी वजह से इफेक्ट होता है, तो वो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। कोशिश करना कि ये क्वेश्चंस बार बार पढ़ो, बार बार रिपीट करो इनको, और खासकर प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, तभी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हम लोग क्रैक कर पाए, है ना। देखो यार, एक बिना मतलब की मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है, जितना हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम चीजों को कवर करो, और फील्ड लेवल पर ऑब्जर्व अगर कर सकते हो तो उनको ऑब्जर्व करो। अभी रिसेंटली देखिए मैंने 2 से 3 वीडियोस बहुत पर्टिकुलरली देखिए, ये आपका नॉलेज मुझे नहीं पता कि कितने टाइम तक याद रहेगा, लेकिन एक फील्ड में जो देखी हुई नॉलेज होती है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। अभी मैंने प्रीवियसली 2 से 3 दिन आपका लगातार 2-3 वीडियोस आपके लिए लेकर आया था, उसके अंदर उन वीडियोस को बहुत कम लोगों ने देखा। क्यों देखा कम? क्योंकि अब ये लोग सोचते हैं कि फील्ड में है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फील्ड से क्या काम है। अरे तुम एग्रीकल्चर के पर्सन हो भाई, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तुम एग्रीकल्चर के फील्ड को ही ऑब्जर्व करने वाले हो, तुम्हारा फील्ड से ही लेना देना है। जब तक तुम फील्ड से नहीं जुड़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ये बातें यहां पर धरी की धरी रह जाएंगी जब तक वो समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने उसको समझ लिया, अगर वो एक बार माइंड में बैठ गया, प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व कर लिया, प्रैक्टिकली आपने करके देख लिया, तो उसके जितना कभी जिंदगी में याद नहीं रहता है। अभी जब आपके माइंड में कहते हैं ना कि एक किसी चीज की मूवी बन जाती है, इमेज बन जाती है, तो वो हमेशा एक लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा याद रहता है। तो हमेशा कोशिश करें कि इस प्रकार से पढ़ें कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, और जब तक आपको इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं आएगा, जब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तब तक आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सेशंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखोगे, और यही नहीं जो प्रीवियसली मैंने बनाए हैं उनको जरूर जाकर देखना यार, क्योंकि आपके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और रिसेंटली जो है एक मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा जाते जाते कि 30th October से आपका नया बैच AFO के लिए स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर कोई भी बच्चा उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।